लेकिन अपने रूप में आए हैं भैया जी, वो जिंदगी भर याद रहेगा हमें। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग। कोई ऐसा पार्ट जो आपको याद रहने वाला हो? उनकी भाभी का रोल बहुत अच्छा है। मुझे पसंद नहीं आई। वाजपेयी 100 मूवी हो गई इंडस्ट्री में, उनकी 100वीं मूवी थी, तो एक्टिंग तो बढ़िया लाजवाब होनी है। हेलो वेलकम, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। तो आपको बता दें कि आज मनोज बाजपेयी की मच अवेटेड फिल्म भैया जी फाइनली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और इसको लेकर के अभी मैं आ चुकी हूं यहां सिनेमाघरों में। तो चलिए लोगों से इसमें जानते हैं कि उनको फिल्म भैया जी कैसी लगी। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग, अच्छा कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं हो? पसंद नहीं आया? कोई ऐसा पार्ट जो आपको याद रहने वाला हो? तो आप इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार देंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। यानी कि भाभी का रोल काफी दमदार है और फिल्म कारी को लेकर क्या है? भैया जी मतलब मनोज बाजपेयी को मतलब काफी टाइम दबंग के बाद जो कहते हैं ना मास मूवी, तो सेकंड मूवी है। आप जरूर अगर आपको मास मूवीज पसंद है तो आप देख सकते हैं। भाभी का रोल मतलब कह सकते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रोल इतना खतरनाक होगा। हाँ मतलब काफी मतलब दिखाया, बाकी मैं स्टोरी तो नहीं करूँगा इस टाइम, बट आप आज के टाइम के साथ वैसे थे, लेकिन फिर भी अगर आपको बिहारी पसंद है तो आप आपको कैसी लगी मूवी? मुझे पसंद नहीं आई। देखो स्टार्टिंग जितना बिल्डअप दिया गया था ना और जितनी मुझे उम्मीद थी कि हाँ यार कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब जितना बिल्डअप देके और ये कहा कि अरे भैया जी एकदम मजा और रौला खड़ा कर देंगे, वाला ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब भैया जी को ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही पंप भर दिए है ना, पिट रहे हैं, मार खा रहे। देखो ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन ये फिल्म चल रही है सन 2004-5-6 में। 2024 में ना ये सब चीजें नहीं चलती कि इतना बड़ा भोकाल हो गया है और दिल्ली में तुम रोला काट रहे हो, फिर दिल्ली पुलिस बैठी तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है। मतलब मुझे लगता है कि यार ठीक है आज भी ये चीजें हैं लेकिन चेंज होना चाहिए। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे चल पाएगी? देखो मैं तो मनोज वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे तो चाहिए कि वो चले, क्योंकि जो एक्सप्रेशन मनोज वाजपेयी ने पूरी फिल्म में दिए ना 75% बॉलीवुड वो नहीं दे पाता है जितना मनोज वाजपेयी जी ने इकलौता इस फिल्म में दे दिया। तो मैं तो चाहता हूँ चले, लेकिन इसके साथ साथ मैड मैक्स फ्यूरियोसा भी रिलीज हो रही है, तो पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बॉलीवुड, सो आई डोंट थिंक ये इतना चले। कोई ऐसा पार्ट जो याद रहने वाला हो? हाँ क्यों नहीं, अरे भैया जी का भौकाल याद रहेगा हमेशा। भैया जी जो स्टार्ट किए ना अपना, भैया जी आएंगे तबाही मचाएंगे, अपने फावड़ा लेकिन अपने रूप में आए हैं भैया जी, वो जिंदगी भर याद रहेगा हमें। हम यूपी के हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ओवरऑल 5 में से कितना स्टार देंगे आप? सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी और उनकी यू नो उनकी आंखों के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 3 स्टार। ओके थैंक यू। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग को लेकर क्या कहना है? अरे उनको 100 मूवी हो गई इंडस्ट्री में, उनकी 100वीं मूवी थी, तो एक्टिंग तो बढ़िया लाजवाब होनी है। अच्छा भाभी के रोल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो भाभी के रोल को लेकर आपको क्या कहना है? भैया जी के रोल से खूंखार होता है यानी कि भाभी का रोल ओवरऑल आपको काफी ज्यादा इंप्रेस किया है? हाँ इंप्रेस किया। वैसे जो हीरोइन होती है उनकी एक्टिंग नहीं होती, तो हीरोइन को हीरो से ज्यादा एक्शन दिखाया है। कोई ऐसा पार्ट जो याद रहने वाला हो मूवी में? लास्ट 15 मिनट। ओवरऑल पार्ट से कितना स्टार देंगे आप? 4। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग के लिए क्या कहना है? मूवी के नाम के बारे में मुझे वो पसंद आया जैसे इसमें दिखाया गया, लेकिन बिहार में उसको था लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि साउथ मूवी का जो एक्शन होता है वैसे भी पूरा नहीं लग रहा था कि मूवी ऐसा हो। जो स्टार्ट है मनोज बाजपेयी की एक्टिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग। कोई ऐसा आपको याद रहने वाला हो? उनकी भाभी का रोल इसमें बहुत अच्छा है। तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में आप ऐसी भाभी बन पाएंगी? वरना बिल्कुल ऐसी भाभी पॉसिबल नहीं है, पर जो भी रोल था वो बहुत अच्छा था। तो 5 में से कितना स्टार देंगे आप? मेरा क्वेश्चन है तो 5 में से 5। कैसी लगी मूवी? So this was public opinion. तो क्या आपने मुझे कमेंट में बताइएगा कि